अनएक्सपेक्टेड था जो कि मुझे ओ मम्मी ले गई है। हे गाइस, तो आज हम खड़े हैं दिल्ली के दिल सीपी में और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो मुझे तो सर्दियों में बहुत भूख लगती है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि स्ट्रीट फूड है या कौन सा फूड है। और स्ट्रीट फूड की तो बात करें तो दिल्ली के सीपी में तो स्ट्रीट फूड से लेकर 5-star होटल तक सब कुछ मिलता है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं शंकर मार्केट के पास ढाबा फूड पे। और मेरे आ गया है शाही पनीर और चावल और मैं वेट कर रही हूँ अपने राजमा चावल का। बहुत गर्म है। और मेरे आ गए हैं खाने। लेट्स। और मेरा खाना आ चुका है और देखने में तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अगर इसके टेक्सचर की बात करें तो इतने अच्छे से सर्व किया है कि सब चीज़ें अलग से दिखाई दे रही हैं। बूंदी का रायता, राजमा चावल, पापड़, चटनी और यहाँ पे प्याज भी काटे हुए रखे हुए हैं और मिर्च का अचार भी है और यहाँ पे भी सेम सब कुछ अलग से दिखाई दे रहा है। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो आई थिंक ये मोर देन इनफ है एक इंसान के लिए और मेरे लिए तो होगा ही। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। इसे पापड़ को मैंने सुना है ऐसे करके ऐसे मिला लेते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा ये भी मिला लेते हैं। एकदम गरम और इतनी ठंड में गरम खाने का स्वाद ही अलग होता है। बहुत टेस्टी बना रहा, बहुत टेस्टी। और ये मेरा आई गेस यहाँ पे 3rd-4th टाइम है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ का टेस्ट हमेशा सेम रहता है। मैं जब पहली बार यहाँ पे आई थी तब भी का टेस्ट इतना ही अच्छा था और अभी भी इतना अच्छा है। वापस आएंगे हम यहाँ, ये भी टेस्ट करके बताती हूँ। चावलों में सोयाबीन वाले चावल हैं, ये सिंपल वाले नहीं हैं। बेस्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा खाऊं। आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ। मेरा मुंह छोटा है ना तो मैं दोनों हाथों से खा सकती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद है सौरभ, इनसे जानते हैं कि ये शॉप कितनी पुरानी है और कब से कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। ये मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं और ये मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और करते करते ये काफ़ी फेमस हो गया अब कि और हमारी दुकान की पहचान भी ज़्यादातर यही है कि शंकर मार्केट के राजमा चावल, तो उसी के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। और ये है कि जो फार्मूला हमने पहले टाइम यूज़ किया था तब से लेके अभी तक वही फार्मूला चल रहा है। सारे के सारे कारीगर भी वही है, सारे जो मसाले जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं हमारे इसमें वो सारे हाथ से कूटे हुए होते हैं, तो मतलब क्वालिटी के साथ कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जो क्वालिटी उस टाइम पे थी वो क्वालिटी इस टाइम पे भी है। मतलब कई कस्टमर आते हैं वो हमें ये बोलते हैं सर 15 सालों से 20 सालों से हम यहाँ आ रहे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि टेस्ट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो या मसाला ऊपर नीचे हुआ हो, कभी नमक तेज़ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर दिन टेस्ट सेम ही होता है पिछले कई सालों से। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं 4th टाइम है और टेस्ट बिल्कुल सेम है। मैंने अभी अभी ये बात बोली है। और यहाँ पे जो भीड़ रहती है, यहाँ पे मैंने नोटिस करा है कि कभी भीड़ होती है कभी नहीं। किस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है? 12 o'clock जैसे वो लंच आवर स्टार्ट हो जाते हैं तो 12 बजे से भीड़ होनी स्टार्ट हो जाती है जो कि शाम तक चलती है। सुबह ये होता है कि सुबह थोड़ा ये होता है कि जो ब्रेकफास्ट करने आए होते हैं तो वो मोस्टली छोले भटूरे खाते हैं, बाकी ये राजमा राइस और ये सब वगैरह जो बाकी आइटम्स होती है राइस की वो 12 बजे से रश होना स्टार्ट हो जाता है।
आप पर्सनली क्या रेकमेंड करना चाहेंगे यहाँ पे? जो चीज़ अच्छी है टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि राजमा राइस काफ़ी लोग फेमस करते हैं, सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे राजमा राइस ही है काफ़ी। हाँ, उसके अलावा बाकी हर चीज़ ही अच्छी है। अब लोग का टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे पंजाबियों को कड़ी बड़ी अच्छी लगती है तो कड़ी चावल मोस्टली खाते हैं, मुझे राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, तो ऐसे टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को पनीर खाना है तो शाही पनीर विद राइस है, छोले भटूरे है तो छोले राइस है, तो ये अलग अलग आइटम है, डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। सो थैंक यू सौरभ फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो आपने सुना कि ये इतनी पुरानी शॉप है और यहाँ पे यहाँ का स्वाद हमेशा सेम रहता है, कभी नहीं बदलता, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी बदलेगा। तो अगर आपको एक ऐसी ऑथेंटिक स्वाद से आप रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर खाएं शंकर के चावल। मैं तो खाने वाली हूँ, आप भी आके खाएं। बाय बाय। तो अब हम आ पहुँचे हैं हनुमान मंदिर के बाहर, जहाँ एक पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ बना हुआ है। यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, इधर से पूरी लाइन लगी हुई है खाने की, स्ट्रीट फूड्स की। और इधर अगर इधर देखा जाए तो कुल्हड़ वाली चाय है, जो कि मैं इसके बाद पीने वाली हूँ फॉर श्योर। और यहाँ भी है, और पूरा यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे काफ़ी है चहल पहल है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम खाने आए हैं काकू कचौड़ी की कचौड़ियाँ। तो मैंने कचौड़ी ले ली है और मैंने हाफ प्लेट ही ली है, क्योंकि मेरे अंदर का इतनी ज़्यादा एपेटाइट इस टाइम बची नहीं है वहाँ के चावल खाने के बाद। खा के देखते हैं कैसी है। एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छी है, पर मेरे हिसाब से नमक थोड़ा ज़्यादा है। इन्होंने कचौड़ी क्रश करके डाली हुई है, खाने में भी आसानी हो रही है मेरे को। गरम गरम। जैसे कि मैंने कहा था मैं चाय ज़रूर पीऊँगी, पर चाय के साथ मुझे मिला है बन मस्का फुल ऑफ बटर। आई लव बटर बाय द वे। स्कूल की याद आ गई, बहुत टेस्टी आ रही। तो कचौड़ी खाने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, और कुल्हड़ में हो तो क्या ही कहना। अगर आप सीपी आते हैं और हनुमान मंदिर आते हैं तो यहाँ की कचौड़ी ज़रूर खाएं, काफ़ी अच्छी थी। पर लेकिन कचौड़ी खाने के बाद अगर मैं चाय नहीं पी तो कचौड़ी का स्वाद अधूरा रह जाएगा, और इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी यहाँ पे मिलेगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। जो कि मुझे मम्मी ले गई, मेरे पास ऐसे दो थे लेकिन अब एक ही रह गया है, क्योंकि अभी एक बंदर का बच्चा आके यहाँ से चुपके से लेके चला जा चुका है वो, और अब मुझे इसी के लिए भी डर लग रहा है। आप ज़रूर आइएगा, मैं इसे बचा के जा रही हूँ। बाय बाय।